ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम 21 जुलाई की शुरुआत में पहुंचे हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार वालों को, अपने साथियों को, संबंधियों को, हर किसी को हम परिवर्तन करते हैं। ये सबकी इच्छा होती है क्योंकि हम अपने अंदर जो कमी है, कमजोरी है, वो हम स्वचिंतन करके हम निकालते नहीं हैं। तो जैसे कल का जो वरदान था कि स्वचिंतन करो, स्वदर्शन करो, तो औरों का प्रदर्शन ना करो क्योंकि उसमें एनर्जी वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है और हमारे अंदर भावना गलत आती है और हमारे अंदर वायरसेस घुस जाते हैं बहुत सारे। उसी तरीके से परमात्मा आज कहते हैं कि अगर हमें सर्वशक्तिवान बनना है और हमें औरों को परिवर्तन करना है तो कुछ चीजों का ध्यान देना है। तो देखें परमात्मा के अपने ही शब्दों में वो कौन सी चीजें जिनको हमें ध्यान देना है। सर्वशक्तिवान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले चिंतन व चिंता मुक्त भव। अब कुछ होते हैं जो कि ब्राह्मण बन जाते हैं ब्रह्म कुमारी में, तो सोचते हैं कि सिर्फ हम ब्रह्म कुमारी के ही जो हैं उनके बारे में अच्छा सोचेंगे, बाकी लोग पराए हो गए। परमात्मा ने कह दिया है आत्मा समझने से ही हम सारी विश्व की आत्माओं के भाई बन जाते हैं और परमात्मा का बच्चा समझने से विश्व की आत्माओं का भाई 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 आत्मा। जैसे ना हिंदी चीनी भाई भाई कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहने से भाई भाई नहीं हो सकते, आत्मा आत्मा कहने से हम भाई भाई बन जाते हैं। तो हमारी भावनाएं सबके प्रति एक समान हो, ये नहीं कि हम बंगाली हैं ये तो हम नेपालियों के बारे में नहीं ठीक सोचेंगे, उनका अपना है हमारा अपना, हम अपने बंगाली कम्युनिटी को आगे बढ़ेंगे, या हम पंजाबी हैं तो पंजाबी कम्युनिटी आगे बढ़े, बाकी लोग क्या करें क्या ना करें वो उनकी मर्जी है, ऐसा नहीं। वो हो गया देह अभिमान। तो परमात्मा कहते हैं कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए। परिवार में किसी को बीमारी है तो बोलते हैं, चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, चिंतन भी करते हैं, चिंता भी करते हैं कि फलाना ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए। परिवार में अगर पति ज्ञान में नहीं चलता है, वो अगर रिप्लाई बैक करते हैं, वो अगर हंसी मजाक उड़ाते हैं ये ज्ञान का, या बच्चे हंसी मजाक उड़ाते हैं इस ज्ञान का, तो चाहती है माताएं चाहती कि भाई ये लोग भी ज्ञान समझें, ये लोग भी ज्ञान को समझें जल्दी, टाइम कम है, 13 साल रह गए, 12 साल रह गए हैं, है ना, विनाश होने को। तो अंदर से वो आता है, चिंता आती, चिंतन आता है। यह भावना तो अच्छी है परमात्मा कहते हैं, लेकिन आपकी यह चाहनाएं पूर्ण तब होंगी जब स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे। क्योंकि वो आत्माएं भी देख रही कि आप कितने हल्के हो। परमात्मा से शक्ति लेने का एक ही तरीका है, जब हम स्वयं हल्के हो। परमात्मा ने भारी होकर के नहीं बोला है, चिंताएं लेकर के परमात्मा को याद नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी चीज है। क्योंकि चिंता लेंगे तो हमारे चित्त पर वही बातें, वही हमारे अंदर सारी फोटोज बनती हुई आएंगी, चाहे बच्चों की फोटोज बनेंगी, हाय क्या कर रहा होगा, हाय क्या कर रही होगी, या पति की आएगी, पत्नी की आएगी, हाय ठीक ठाक तो है, उसको जॉब में प्रमोशन मिली कि नहीं मिली, जो बॉस ने ठीक से बात करी कि नहीं करी, कल झगड़ा, ये सारी बातें चिंता और चित्त पे अगर आपने रखी हैं तो आप हल्के नहीं हैं और परमात्मा से आपकी योग नहीं लग सकता परमात्मा से। तो परमात्मा पहले कहते हैं ये सारी चिंताएं मुझे दो, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हम किस किस को कंट्रोल करेंगे। हर आत्मा एक फिक्स्ड रिकॉर्ड है जिसको अमर अजर अविनाशी कहते हैं, और हर आत्मा का मन बुद्धि संस्कार एक्यूरेट वैसे चल रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं सामने से अगर मक्खी उड़ी तो वो कल पे पहले भी मक्खी उड़ी थी, आप उसको चेंज कर सकते हो, आप बोलते नहीं नहीं मत उड़ मत उड़ वापस से, नहीं कर सकते। वैसे ही आप किसी भी आत्मा को, वो तो मक्खी की अंदर आत्मा हुई, वैसे आप किसी मनुष्य आत्मा को भी आप जबरदस्ती करके उसको चेंज नहीं कर सकते आप। तो चिंता और चिंतन किसका करें, फिर परमात्मा का करें, उनसे हम शक्ति लें, हमारे अंदर परिवर्तन आए। क्योंकि हम जिसी किसी और को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि हमें परचिंतन करना पड़ता है, उसी कमी कमजोरियों को देखना पड़ता है कि इसके अंदर ये खराब है ये ठीक हो जाए, ये बच्चे के अंदर ये खराब है ये ठीक कर ले, इस बेटी के अंदर ये खराब है ये ठीक कर ले, ये बदल जाए, ये पति के अंदर ये बुराइयां ये ठीक हो जाए। तो हमने कितने वायरस अपने अंदर घुसा लिए और वो वायरसेस को रख करके हम फिर परमात्मा से कैसे हम जुड़ सकते हैं। मन मंदिर को काला कर लिया औरों के कालेपन को देख करके, और फिर परमात्मा से प्रकाश नहीं है ना पॉसिबल। इसलिए परमात्मा कहते हैं औरों के पार्ट को साक्षी होकर के देखो, चाहे वो भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, साक्षी डिस्टेंट होकर के देखो उनके पार्ट्स को। मेरा समझ के करेंगे, हाय मेरे भाई को क्या हो गया, हाय मेरी बहन को, हाय मेरे पति को, हाय मेरे बच्चे, मेरे मेरे कौन, मेरा कौन, शिव बाबा। तो ये परिवर्तन करना भावना को बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है मोह जीत होना। क्योंकि बहुत सारे होते हैं माताएं स्पेशली मोह जीत नहीं हो पाती हैं, क्यों, क्योंकि वो हर चीज को मेरा समझती है और सारा बोझा अपने ऊपर ले लेती हैं। परमात्मा संगम पर आए हैं हमारे सारे बोझे उतारने के लिए। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं ये भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी यह चाहनाएं पूर्ण तब होंगी जब स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे। हल्का, फर्स्ट स्टेप हल्का, आत्मा हल्की हो तभी तोड़ेगी ना,
आत्मा में भारी संकल्प होगा तो आत्मा शरीर के बारे में, शरीर की वस्तुएं, शरीर के साथी संबंधियों के बारे में सोचेगी तो परमात्मा से शक्ति मिल सकती है। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। बुद्धि में चल रहा है, बुद्धि क्या करती है, पिक्चर बनाती है। अगर आपका पिक्चर कहीं दिल्ली में घूम रहा है, कभी दार्जिलिंग में घूम रहा है आपका पिक्चर, कभी आपका अमेरिका में घूम रहा है पिक्चर, कभी आपका कहीं घूम रहा है यूक्रेन जाके घूम रहा है, वहां पे क्या हो रहा होगा, आए वहां पे लोगों क्या हो रहा होगा, तो वहां पे जो पिक्चर बन रहे हैं, इतने सारे पिक्चर बन रहे हैं और वहां से आपकी जो भावनाएं कनेक्टेड है उन चीजों के साथ में, पिक्चर्स के साथ में, वही आपको भारी बनाती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहले पिक्चर्स को साफ करो। ये सब साक्षी होकर के देखो, सबका पार्ट अपना अपना चल रहा है। कहीं भूकंप आ रहा है, जैसे आ जाए भूकंप राजस्थान जयपुर में, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, साक्षी होकर देखो। हाँ, आत्मा को दुख हो रहा है, उनके लिए शुभ भावना शुभकामनाएं रखो, लेकिन साक्षी होकर के देखो, डिटैच होकर। ये मूवी चल रही है, इसमें हाय तौबा नहीं करनी है, नहीं तो फिर क्या होगा, वो फीलिंग्स क्रिएट करने से ही वो पिक्चर्स बन जाती हैं और आत्मा भारी होती है। सभी का कल्याण चाहते हो तो कंडीशंस, स्वयं शक्ति स्वरूप बन, सर्वशक्तिमान के साथी बन, शुभ भावना रख, चलते चलो। अगर खुद ही में हम क्रोधित हो जाएंगे, किसी को चेंज करने के पीछे पड़ जाएंगे, उसको ये करते वो ऐसा ना करे वो ऐसे करे, तो हम इरिटेटेड होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और परमात्मा कहते हैं तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं देखेंगे। वो लोग बोलेंगे भैया ब्रह्मा कुमार इसके लोग इतना इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ये कौन सा ज्ञान है, ऐसे तो कोई असर नहीं पड़ा इनके अंदर। तो ये चीज हमें परमात्मा कह रहे हैं, हम पहले हल्के हों और शक्ति लें, और हम जब शक्तिशाली होंगे, हम किसी को चेंज नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू होंगे। लेकिन आप किसी के पीछे पड़ जाओ तो वो कभी चेंज नहीं, वो उल्टा और ढीठ बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपना चिंतन करो, स्व चिंतन करो, अकेले आए थे अकेले जाओगे। चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। बंधन कैसे होता है, मैं ठीक कर दूंगा, मैं इसको समझा दूंगा, मैं इसको ठीक कर दूंगी, मैं इसको ठीक रास्ता दिखाऊंगा, यह बंधन, मैं। तो हमें कैसे रहना है, आप खुद ही विचार करिए और इसको फिर से सुनिए, इस वरदान को बहुत गहराइए इसके अंदर। ओम शांति।